मोटा भाई, ये मोटा भाई यतिन मोटा वाला मोटा है कि वो जो गुजराती में मोटा भाई कहते हैं, वो आप जो आपको जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप कह सकते हैं, ये दोनों के लिए फिट बैठता है। हाँ, दोनों के लिए फिट बैठता है, क्योंकि मैं गुजराती भी हूँ और मोटा भी हूँ, मतलब मोटा वैसे यतिन नहीं, मोटा वाला मोटा है। आज क्या रडार पे? तो देखिए आशीष, दो स्टॉक्स, सबसे पहले टाइटन, और यहाँ डीलर्स जो है एसटीबीटी की सलाह दे रहे हैं। अब बहुत व्यू सिंपल है, गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल्स पे हैं, डिमांड ऑन द ग्राउंड वीक तो है ही, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड यहाँ एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं। अगर आप आज ओपन इंटरेस्ट देखें तो 3% बढ़ा हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस यहाँ बिल्डअप हो रही हैं अप्रैल सीरीज में। और डीलर्स की अगर आप माने तो 3600 के नीचे 3580 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, यानी 40-50 रुपए का डाउनसाइड डीलर्स को लगता है अप्रैल फ्यूचर्स में आ सकता है इस काउंटर में। इसके अलावा बीईएल और डिफेंस स्टॉक्स आज बहुत अच्छा कर रहे हैं वर्सेस द मार्केट, दोनों बीईएल और एचएल अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं फ्यूचर सेगमेंट में। और अगर हम बीईएल की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट 6% नीचे है, यानी फ्रेश शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है 240-245 के लेवल्स यहाँ भी देखने को मिल सकते, यानी अगले हफ्ते के लिए जो ट्रेड डीलर्स ले रहे हैं मोमेंटम के लिए पीएसयूज में, वो बीईएल पे ले रहे हैं। ओके, शुक्रिया यतिन के लिए। तो ये कुछ काउंटर्स, बीएल इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर, 233 और अब तक अप्रैल की सीरीज को डोमिनेट किया इस स्टॉक ने। टाइटन सेल और 2.5% नीचे, डे लो की ट्रैक्टर मार्केट करता हूँ, इट्स 100-day exponential moving average for Titan। यहाँ पे ट्रेड कलेक्ट कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं मानस से। मानस, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, कोई नया ट्रेड नहीं रहेगा, जो मैंने मॉर्निंग में IRCTC को रिकमेंड किया था वहीं पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। तो IRCTC के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 1060 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, तो 1049 के स्टॉप लॉस से IRCTC के फ्यूचर में खरीदारी करिए 1080 के टारगेट के लिए। भाई साहब, IRCTC की ट्रेन निकल पड़ी है सुबह पिक के तौर पे, कुछ देर पहले सत्पते साहब ने भी मेंशन करा और मानस कह रहे हैं इसी को छोड़ने का नहीं है, मंडे के लिए भी इसी को कैरी करना है। भाई IRCTC रडार पर रखिए, BTST पहला। सत्पते साहब, रडार पे कौन सा स्टॉक और क्या ट्रेन है? आशीष जी, देखिए मेरे रडार पे है क्रॉम्पटन। अगर आप क्रॉम्पटन का चार्ट देखें तो आज इसने एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, अपने 200 DMA को सरपास किया है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो 10% जंप है। तो जिस तरह से इसका डेटा पैन आउट है, इसका टेक्निकल पैटर्न पैन आउट है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मोमेंटम मिलेगा। 315-320 ये BTST का टारगेट होगा क्रॉम्पटन में, स्टॉप लॉस होगा 290 का। यहाँ पे अच्छा मूव देता हूँ यहाँ पे। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा मंडे मॉर्निंग के लिए? जी गिरिन जी, रेडार पे क्रॉम्पटन ही था, चॉइसेस कम है, लेकिन उसके अलावा जो मुझे पसंद आ रहा है, दैट इज कमिंस इंडिया। काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है यहाँ पे, स्टॉक ने काफी पूरे दिन होल्ड किया, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, 10 DMA के ऊपर ब्यूटीफुली ट्रेड कर रहा है। 3065 प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 3020 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 3165 रुपए के। कविता जी, मैं आ रहा हूँ उन दोनों मोमेंटम स्टॉक्स पे, लेकिन इस समय BTST कौन सा या STBT कौन सा? So, आशीष जी, BTST के लिए IEX is looking good। IEX अपने 150 के लेवल के ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन हुआ और अपने काफी कॉल राइटर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए भी दिखे हैं। 151 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, अंटिल काउंटर 147 के ऊपर है, मुझे लगता है यहाँ पोजिशनिंग बनानी चाहिए। ऊपर में 155-159 के प्राइस टारगेट। ओके, रचना जी, आपकी कॉल क्या रहेगी मंडे मॉर्निंग के लिए? जी, मेरी तरफ से जो कॉल रहेगी दैट इज HAL। HAL में हम लॉन्ग करेंगे और यहाँ पे 3645 के करीब करंट प्राइस है फ्यूचर्स पे, हम इसमें 3620 का SL लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट होगा 3700-3750। ओके भाई साहब, IRCTC, क्रॉम्पटन, कमिंस, IEX, HAL, सारे BTST आइडियाज, बेहतरीन पिक्स आपकी स्क्रीन्स पर। अमित जी, आप जरा ल्यूपिन को टटोल के रखिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन कविता जी, वो जो दोनों मोमेंटम प्लेज, एक्साइड और वेदांता, किसी में चढ़ना है या छोड़ दिया जाए? पोजिशनिंग अगर देखिए तो दोनों ही स्टॉक ने काफी अच्छा मूव ऑलरेडी दिया है, बट वेदांता जिस तरीके से मूव किया है और मेटल एल्यूमिनियम और इधर हम जिस तरीके से तेजी देख रहे हैं, यहाँ फर्दर मुझे लगता है 385-395 के प्राइस टारगेट ड्यू देखते हैं।
जिनकी पोजिशनिंग है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 369 का ऑन वेदांता. एंड इन द सिमिलर वे एक साइड में अगर आपकी पोजिशनिंग है तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें 388 का, और ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं फॉर 400 to 405 की प्राइस टारगेट. अमित जी, ल्यूपिन में इसीलिए मेंशन कर रहा था कि अभी अभी अपडेट आया है, ल्यूपिन की जो दबाशा फैसिलिटी है उसे यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया है, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई आपत्ति नहीं, क्लीन चिट मिला, इसीलिए एकदम से थोड़ा सा स्पाइक आपको नजर आ रहा है. अमित जी, ल्यूपिन में क्या करा जाए? जी आशीष जी, लुपिन का पोजीशनिंग तो काफी अच्छा, 10 और 20 डेमो पे ब्यूटीफुली रेस्ट कर रहा है. इनफैक्ट ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द डे 1640 तक के भी भाव इसने दिखाए थे. थोड़ा सा निफ्टी प्रेशर में आ गया तो इसने इंट्राडे गेन्स गिव अप कर दिए. तो एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है 1600 के स्टॉप लॉस के साथ. टारगेट्स लगभग 1675 के रहेंगे, लेकिन हाँ, अगर 1640 के ऊपर मंडे के सत्र में निकले तो तेजी फिर जल्दी बनेगी इसमें. ओके, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.